प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 71वें जन्मदिवस को युवा कांग्रेस के द्वारा राष्ट्रीय बेरोजगारी दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। इस मौके पर हमीरपुर से यूथ कांग्रेस के पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री के आवास पर 71 पत्र भेजे हैं। ये पत्र भेजकर यूथ कांग्रेस के पदाधिकारियों तथा कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री से रोजगार के वायदे को पूरा करने की मांग की है। हमीरपुर में युवा कांग्रेस मीडिया सेल के चेयरमैन एवं प्रदेश प्रवक्ता चंदन राणा ने पत्रकार वार्ता करते हुए कहा कि देश भर में युवा कांग्रेस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस को राष्ट्रीय बेरोजगारी दिवस के रूप में मना रही है। उन्होंने कहा कि लंबे समय से यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता केंद्र और प्रदेश सरकार से जवाब मांग रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कब अपने 2 करोड़ रोजगार देने के वायदे को पूरा करेंगे। आज 17 सितम्बर का दिन भारतीय युवा कांग्रेस और हिमाचल प्रदेश युवा कांग्रेस हर विधानसभा और हर जिला मुख्यालय पर राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस के रूप में मना रही है। वो इसलिए क्योंकि आज उस शख्स का जन्मदिन है जिसने देश के करोड़ों युवाओं को एक झूठ के झांसे में लिया, उनसे छल कपट किया, उनको धोखा दिया, जिसने बात की 2 करोड़ नौकरी हर वर्ष की, जिसने बातें की कि मैं रोजगार लेके आऊंगा, लेकिन जिसके राज में इंडस्ट्री लगातार बाहर जाती गई और उसकी जो गलत नीतियाँ थी, जिसने गलत अनियोजित ढंग से जो लॉकडाउन लागू किया था, नोटबंदी थी, GST थी, उसे नौकरियां मिलना तो दूर की बात, लेकिन नौकरियां लगातार दूर जाती गई। और जब उनसे सवाल किया नौकरियों पे, तो उन्होंने बड़े सरल शब्दों में जवाब दिया कि देश का जो युवा है वो जाके पकोड़े तले। तो आज जन्मदिन है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, जिन्होंने लगातार लोगों से, युवाओं को छल कपट किया। तो आज जो देश का युवा है वो उनसे मांग कर रहा है कि अपनी बात पे अड़िग रहें, अपना वादा निभाएं और जो 2 करोड़ रोजगार है उन्हें देने की बात करें। और ये रोजगार ये नहीं है कि आप द्वारा एक सपनों की दुनिया दिखाएंगे कि 2025 तक, 2030 तक, 2050 तक, ये रोजगार आज दो, अभी दो, जल्दी से जल्दी दो। उन्होंने कहा कि देश भर में युवाओं की आवाज को दबाने का प्रयास भी भाजपा सरकारें कर रही हैं और हमीरपुर जिला में भी यही देखने को मिल रहा है। हमीरपुर जिला में भी प्रशासन और पुलिस पर दबाव बनाकर यहां काम नहीं करने दिया जा रहा है। युवा नेता चंदन राणा ने कहा कि युवाओं की आवाज को युवा कांग्रेस कभी भी दबने नहीं देगी। उन्होंने कहा कि युवाओं की आवाज प्रधानमंत्री तक पहुंचाने के लिए आज प्रधानमंत्री के आवास पर रोजगार की मांग को लेकर 71 पत्र भेजे गए हैं। जब से मोदी जी सत्ता में आए हैं, ये अकेले हमीरपुर की बात नहीं, पूरे देश में ये माहौल है कि हर किसी की आवाज दबाई जा रही है। चाहे कोई सरकारी यूनिवर्सिटीज में देखे तो छात्रों की आवाज दबाई जा रही है, इस देश में महिलाओं की आवाज दबाई जा रही है, यहाँ तक कि पार्लियामेंट में हमारे सांसदों को बोलने तक का टाइम नहीं दिया जाता है। तो जो ये हिटलरशाही की सरकार चल रही है, इसका समय जो है बहुत दिन तक नहीं चलेगा और आने वाले जो विधानसभा चुनाव हैं जिन राज्यों में, वहां जनता इनको मुंहतोड़ जवाब देगी। जो है हमने एक सिंबॉलिक प्रदर्शन किया था, हमने प्रेस के वादे से, और हमने एक ये सांकेतिक प्रदर्शन किया था कि आज मोदी जी के 31वें के जन्मदिन पे हम हमीरपुर युवा कांग्रेस की तरफ से 71 जो है पत्र उनको भेज रहे हैं, क्योंकि हमने सोशल मीडिया के माध्यम से उनको लगातार टैग करते थे, मेल भी लिखी और धरना प्रदर्शन किए। तो हमने आज एक नए तरीके से एक सांकेतिक प्रदर्शन करने की सोची और आज 71 जो है जो पत्र है ये युवा कांग्रेस मोदी जी के ऑफिस के एड्रेस में ना भेज के उनके, क्योंकि वो कहते हैं कि मैं घर पे रहता हूँ, कहीं बड़े दिनों से मीडिया में दिख रहा, तो हम उनके घर के एड्रेस पे ये जो है पोस्ट कर रहे हैं। उनको बधाई संदेश है कि प्रधानमंत्री जी, आपके राज्य में देश के करोड़ों हुए बेरोजगार, आपके जन्म दिवस पर करो राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस की शुभकामनाएं स्वीकार। आपको बता दें कि प्रदेश भर में युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने अलग अलग तरीके से अपने विरोध दर्ज करवाए हैं। हमीरपुर में प्रदर्शन की आशंका के चलते ऐतिहासिक गांधी चौक पर पुलिस दल बल के साथ मौजूद रही, लेकिन यहां पर कोई भी प्रदर्शन प्रस्तावित ही नहीं था, जबकि पुलिस को आशंका थी कि यहां पर प्रदर्शन किया जाएगा। हालांकि यूथ कांग्रेस की तरफ से इस तरह की कोई भी योजना बनाई नहीं गई थी।